इसके पहले वाली दो वीडियोस में हमने आपको MS Paint का परिचय दिया और होम टैब के ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी और उनका उपयोग करके बताया। इस वीडियो में हम आपको MS Paint के फाइल टैब और व्यू टैब के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुत मेहनत से एक ड्राइंग बनाई और यदि हम उस ड्राइंग को सेव नहीं करते हैं और किसी कारणवश कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि जब भी आप इस पर कोई काम करें तो अपनी फाइल को सेव कर लें। फाइल सेव करने के लिए या तो क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई दे रहे सेव ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर कंट्रोल एस प्रेस करें। ऐसा करते ही पेंट फाइल को सेव करने की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी फाइल को सेव करने के लिए लोकेशन सिलेक्ट करनी है। इस विंडो में लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से अपनी फाइल को सेव करने के लिए लोकेशन चुनें। यदि लेफ्ट साइड के ऑप्शंस में आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लोकेशन ना मिल रही हो तो आप इस एरो पर क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से भी लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं। हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो हम इस मेन्यू में से डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं। अब आपको अपनी फाइल को नाम देना है। हमने अपनी फाइल को नाम दिया माय पेंट। आप अपनी फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब सेव पर क्लिक कर दें। इससे फाइल सेव हो जाएगी। ये देखिए यहाँ टाइटल बार में अनटाइटल्ड के स्थान पर हमारी फाइल का नाम आ गया है। ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद आप कंट्रोल एस प्रेस करते जाएं। आपको हर बार कंट्रोल एस प्रेस करने पर इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं दोहरानी पड़ेगी। ये केवल पहली बार फाइल को सेव करते समय करनी होती है। हर बार कंट्रोल एस प्रेस करने से आपके द्वारा किया गया हर काम सेव होता चला जाएगा। ये जो सेव ऑप्शन है वो फाइल टैब के अंतर्गत भी मिलता है। ये हमने फाइल टैब पर क्लिक किया। ये देखिए इस मेन्यू में सेव के साथ और भी ऑप्शंस हैं। यदि आप कोई नई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप नए सिरे से ड्राइंग कर सकते हैं और यदि आप पहले बनाई हुई ड्राइंग को देखना चाहते हैं तो फाइल टैब में जाने के बाद ओपन पर क्लिक करें। अब इस ओपन हुई विंडो में उस लोकेशन पर जाएं जहां आपने फाइल सेव की थी। हमने अपनी फाइल डेस्कटॉप पर सेव की थी तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए हमारी पुरानी फाइल दिख रही है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही देखिए फाइल ओपन हो गई है। यदि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद इसे सेव करने के लिए कंट्रोल और एस कीज को प्रेस कर दें। इस मेन्यू में दिखाई दे रही सेव एज कमांड का उपयोग MS Paint में पहले से सेव फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। अब हम आपको MS Paint के व्यू टैब के ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। व्यू टैब में कुल तीन सेक्शंस होते हैं, जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। जूम इन द्वारा आप अपनी ड्राइंग का साइज बड़ा कर सकते हैं। जब आप जूम इन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा दिखने लगता है। जूम आउट द्वारा आप अपनी ड्राइंग के साइज को छोटा कर सकते हैं। जब आप जूम आउट पर क्लिक करते हैं तो ड्राइंग का साइज छोटा होने लगता है। 100% ये ड्राइंग का नॉर्मल साइज होता है। जब आप 100% पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। रूलर्स के द्वारा रूलर बार को हाइड या अनहाइड किया जा सकता है। रूलर्स के सामने एक चेकबॉक्स होता है जिस पर क्लिक करके आप रूलर्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस के द्वारा ग्रिड लाइंस को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसमें ग्रिड लाइंस के सामने एक चेकबॉक्स होता है जिस पर क्लिक करके आप ग्रिड लाइन को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। स्टेटस बार, इस ऑप्शन से आप स्टेटस बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसके लिए भी सामने दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होता है। फुल स्क्रीन ऑप्शन के द्वारा आप अपनी ड्राइंग को फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। कीबोर्ड पर एस्केप की से आप अपनी ड्राइंग को वापस नॉर्मल मोड पर ला सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही MS Paint के सभी टैब्स और उनके ऑप्शंस के बारे में जानकारी पूरी हुई।
अब आप खूब प्रैक्टिस करें और आसानी से MS Paint का उपयोग करें। धन्यवाद।